Which society destroys private ownership? Private ownership of means production and its place creates public ownership of production. क्वेश्चन है, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक, किसकी बात हुई, सार्वजनिक स्वामित्व की बात हो रही है और निजी स्वामित्व को समाप्त करने की बात हो रही है। तो इसमें जो है समाजवादी आएंगे या पूंजीवादी आएंगे, बताइए कौन सा आएगा। अब यहां पर आप देखें, पूंजीवादी जो पूंजी को ज्यादा प्रेफरेंस है और समाजवादी जहां पर समाज की बात की जाए, तो यहां पर जो सार्वजनिक स्वामित्व मतलब सभी को जो है स्वामित्व मिले, सभी को जो है इक्वल जो है राइट्स मिले, तो निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात तो कैपिटलिस्ट में होगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सही वो होगा पहला, समाजवादी। तो समाजवादी जो है समाज वहां पर ही जो है सार्वजनिक स्वामित्व की बात होती है और निजी स्वामित्व को समाप्त करने की बात होती है। इसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से के अनुसार जो है व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। ये कैसा दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट जो ओनरशिप है, और इसके स्थान पर कैसे सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। तो यही हुआ इसका ऑप्शन।